नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत कौर स्वागत करती हूँ आप सभी का पंजाबी कुकिंग चैनल में। आज की वीडियो में हम गोभी की भुर्जी बनाएंगे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। इसे आप परांठे के साथ या रोटी के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइए। गोभी की भुर्जी बनाने के लिए जहां पर हमने 500 ग्राम गोभी ली है, गोभी को इस तरीके के टुकड़ों में काट लिया है। इसे 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और धोने के बाद इसे सुखा लिया है। एक प्याज लिया है, प्याज को बारीक काट लिया है। आधा कप हरे मटर है, ताजा हरे मटर लिए हैं। एक टमाटर लिया है और टमाटर को बारीक काटा है और 2-3 टेबल स्पून हमने हरा धनिया लिया है। 2 पिंच हम हींग का इस्तेमाल करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच लहसुन है, लहसुन को हमने कूट लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। 2 हरी मिर्च ली है, आधा चम्मच जीरे का है और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी जो फूल गोभी हमने ली है इसे हम इस तरीके छोटा छोटा करके काट लेंगे। गोभी को अगर हम इस तरीके से बारीक बारीक काट कर बनाते हैं तो गोभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर बनती है। और इस तरीके से हम जो हमारी सारी गोभी है उसे काट कर हम तैयार करेंगे। सारी गोभी हमने काट कर तैयार कर ली है। इसी तरीके से आपने गोभी को बारीक बारीक काट लेना है। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें गोभी डालेंगे और गोभी को हम 5-6 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे इसी तरीके से हलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गोभी को मैं लगातार हला रही हूँ ताकि गोभी हमारी नीचे ना लगे, और इसी तरीके से हिलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट अभी हम इसे और फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। आप देख सकते हैं कि गोभी को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा, लो आप इसी तरीके से इसे काटें, इतनी ना ही बहुत ज़्यादा इसे बारीक करें। अगर ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो आप इसे मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे जो बहुत टेस्टी बनेगी। गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर हरे मटर डाल देंगे और हरे मटर डाल के हम इसे 1-1.5 मिनट तक और भूनेंगे इसी तरीके से। गोभी और मटर हमारे दोनों ही फ्राई हो चुके हैं। गैस को हम बंद करेंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। इन दोनों चीजों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जीरा हमारा भून चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ अदरक डालेंगे और लहसुन डाल देंगे। हल्का सा इसे फ्राई करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो चले जाए, और ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 1/2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। आधे मिनट बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर करेंगे, ज्यादा हाई हीट पर हम इसे नहीं पकाएंगे। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे और 2 हरी मिर्च जो ली है हमने उसे भी डाल देंगे और टमाटर को नरम होने तक भून लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला साथ में ही डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से
और मसालों को हम एक मिनट के लिए भून लेंगे। गैस बिल्कुल लो पे कर देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से कुक हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसके अंदर जो हमने फ्राई किए हुए अपने गोभी और मटर है उसे डालेंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हम इसे अब ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और सब्जी को बीच बीच में 2-2 मिनट बाद अच्छे से उसे हिलाते रहें ताकि सब्जी तले के नीचे ना लगे। और सब्जी के अंदर अब हम डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर देंगे हरा धनिया डालने के बाद। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। गोभी की भुर्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट गोभी की भुर्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ बनाकर सर्व कीजिए। इसी तरीके से आप इसे बनाइए और खाइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।